दोस्तों, राजस्थान पुलिस परीक्षा का एग्जाम सेंटर व एग्जाम डेट देखने के लिए आपके पास एप्लीकेशन आईडी होना जरूरी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास एप्लीकेशन जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरवाया उसका प्रिंटआउट नहीं है तो आप ऑनलाइन किस तरीके से निकाल सकते हो, आपको पूरा का पूरा कंप्लीट बताऊँगा, जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, पूरा का पूरा ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंटआउट आप निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको करना क्या, सबसे पहले आपको यहाँ पर आपके गूगल में आपको एसएसओ टाइप करके यहाँ पर इस तरीके से आपको आ जाना। यहाँ पर आने के बाद में आपको आपके यहाँ पर एसएसओ आईडी डाल देनी हो, आपकी एसएसओ आईडी के पासवर्ड आपको डाल देने, जिससे भी आपने जो राजस्थान पुलिस का ऑनलाइन फॉर्म भरा वो आपके यहाँ पर एसएसओ आईडी और पासवर्ड आपको डाल देना। उसके बाद में कैप्चा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना। मैंने यहाँ पर पिछले यहाँ पर वीडियो बनाया जिसमें आपको बताया कि आप बिना एसएसओ के एप्लीकेशन नंबर कैसे निकालते हो। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप बिना एसएसओ आईडी के यहाँ पर आप अपना यहाँ पर जो भी एग्जाम सेंटर हुआ एग्जाम डेट आप कैसे चेक कर सकते हो, आप वीडियो देख सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे मैं इसको सिटीजन कर लेता हूँ, आपका डायरेक्ट यहाँ पर ये सिटीजन ऐप्स में यहाँ पर इस तरीके से लॉगिन होगा। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में अब आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिक्वायरमेंट स्टेप टू, आप अच्छे से आपको यहाँ पर चेक करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर रिक्वायरमेंट पोर्टल व रिक्वायरमेंट स्टेप टू, अच्छे से आपको देख लेना है रिक्वायरमेंट स्टेप टू। अगर ये भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिले तो आपको करना क्या, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्विक सर्च का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता, उससे पहले आपको यहाँ पर अदर एप्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको क्विक सर्च में REC जैसे आप टाइप करोगे तो यहाँ पर ये दोनों सर्विस आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको सेकंड वाली रिक्वायरमेंट स्टेप टू आपको अच्छे से देख लेना, आप अपने मोबाइल में भी यहाँ पर ये प्रोसेस कर सकते हो और अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो आपको इस पर क्लिक कर देना, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा पेज आपको देखने को मिलेगा, आपके अपने मोबाइल में भी इस तरीके से ये पेज आपको देखने को मिलेगा। मैंने पिछले यहाँ पर 3-4 वीडियो में आपको बता दिया कि आप यहाँ पर एग्जाम सेंटर कैसे देख सकते हो यहाँ पर एसएसओ आईडी से। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन आईडी कैसे देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मेरे यहाँ पर किसी सब्सक्राइबर ने यहाँ पर एक कमेंट किया, जिन्होंने यहाँ पर बताया कि सर मेरा नो इन्फॉर्मेशन बता रहा कि मैंने यहाँ पर सही से नाम भी डाला, उसके बाद मोबाइल नंबर भी सही से डाला, फिर भी मेरा एप्लीकेशन आईडी नहीं निकल रहा। तो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पर पूरा का पूरा आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑनलाइन प्रिंटआउट है उसी को आपको निकाल के बता रहा हूँ। उसमें सारा का सारा पूरा डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आपको एप्लीकेशन आईडी नाम पते पूरे के पूरे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके लिए आपको करना का ऐसा पेज आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद ऊपर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं माय रिक्वायरमेंट, यहाँ पर अच्छे से आपको देख लेना। यहाँ पर आप देख सकते हैं माय रिक्वायरमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना। अब इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऐसा पेज आपको देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हो इस तरीके से आपको भी ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सेकंड नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल 2021 कॉन्स्टेबल ड्राइवर नॉन TSP राजकोप, आप देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर एंड डेट यहाँ पर 3 दिसंबर 2021 इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको अच्छे से आपको ये आपको पढ़ लेना, यहाँ पर आपको देख लेना। उसके बाद इसी के सामने आपको जस्ट यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन एक्शन में व्यू एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके जो भी राजस्थान पुलिस का प्रिंट आउट है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से निकल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन नंबर, आवेदन संख्या, एप्लीकेशन नंबर आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन नंबर आपको यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा, इस तरीके से यहाँ से आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा पूरा का पूरा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रिंट आउट आपका निकल जाएगा, इस तरीके से आप देख सकते हो फॉर्म का प्रिंट आउट। इसको अगर आपको प्रिंट करना है डाउनलोड करना तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है प्रिंट का ऑप्शन, आप इस पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर सेव का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, सेव एज ए PDF, यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर सेव आपको कर लेना, सेव पर क्लिक करोगे यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हो। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँ, आपने यहाँ पर और भी फॉर्म भर रखे तो यहाँ पर माई रिक्वायरमेंट इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो सारे के सारे फॉर्म हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म। तो मैंने पूरा का पूरा आपको कंप्लीट अच्छे से समझा दिया, अच्छे से आपको बता दिया कि आप जो राजस्थान पुलिस का एप्लीकेशन फॉर्म में प्रिंट आउट एप्लीकेशन आईडी पूरा का पूरा यहाँ पर इस तरीके से निकाल सकते हो, और आप एग्जाम सेंटर में एग्जाम डेट कैसे चेक कर सकते हो मैंने पिछले वीडियो यहाँ पर बना दी, आप आसानी से चेक कर सकते हो। अब आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को धन्यवाद।